कोरोना पर केंद्र सरकार का मेगा एक्शन प्लान, 1 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करेंगे युवा, तीसरी लहर आई तो निपटने में मदद मिलेगी। हम लोगों ने देखा कि कोरोना की दूसरी वेव में कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप हमारे सामने ला सकता है। प्रधानमंत्री ने देश की तैयारियों को बढ़ाने पर दिया जोर, ऑक्सीजन प्लांट पर युद्ध स्तर पर काम करने की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी का अहम ऐलान, 21 जून से टीकाकरण अभियान को मिलेगा विस्तार। नंदीग्राम के नतीजे को सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज सुनवाई टली, अगले गुरुवार को होगी सुनवाई। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से आ रही थी ममता, फिर से मतदान कराने की है मांग, धांधली का लगाया आरोप। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता ने राज्यपाल धनखड़ को कहा अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कृणाल घोष का आरोप, राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह कर रहे काम। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृहमंत्री से भी हालात पर बात। चिराग पासवान ने पशुपति के चुनाव पर उठाया सवाल, कहा मैं अभी भी एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। चिराग पासवान ने कहा पार्टी को बचाने के लिए कोर्ट जाऊंगा, विरोधियों को बताया अवसरवादी। चिराग का चाचा से सवाल, क्या आप एक सदस्य एक पद का नाम मानेंगे? चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत विरोध नहीं, जाति की सियासत का हूं विरोधी। पशुपति पारस ने कहा पार्टी के संविधान के मुताबिक चुना गया हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पशुपति पारस ने नीतीश से मुलाकात को लेकर किए गए सवाल पर कहा बिहार के विकास की बात होगी तो जरूर जाऊंगा, अभी नीतीश से मिलने का कोई इरादा नहीं। चाचा पशुपति के खिलाफ बिहार में बड़ा मोर्चा खोलेंगे चिराग पासवान, समर्थकों से कहा फिलहाल मैं दिल्ली में कानूनी लड़ाई देख रहा हूं, आप सब प्रदेश में संभाले प्रदर्शन का मोर्चा। ऑडियो वायरल, हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के, जब आना होगा ना भैया बिहार तो दो हम बताएंगे। दो दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा चिराग ने खुद अपनी झोपड़ी में आग लगाई, इसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं। बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को भेजा गया नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। आज संसदीय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं ट्विटर इंडिया के अधिकारी, सरकार ने दिया है नोटिस। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का आया नाम, उमेद पहलवान के खिलाफ FIR दर्ज। उमेद पहलवान पर नफरत फैलाने का आरोप, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। गाजियाबाद मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। आरोपियों को समद पर था जादू टोने का शक, समद ने मानी ताबीज बनाने की बात। गाजियाबाद कांड पर सियासी जंग, मंत्री मोहसिन रजा ने पूछा क्या दंगा भड़काने की थी साजिश। गाजियाबाद केस में स्वरा भास्कर और आरफा खानम शर्वानी की शिकायत भड़काने का है आरोप। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटे योगी, गोरखपुर में मीटिंग। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा की, साफ सफाई पर दिया जोर। एक्टिविस्ट नताशा की रिहाई को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। नताशा समेत तीनों छात्र नेता तिहाड़ से हुए रिहा, संघर्ष जारी रखने की ऐलान किया। कर्नाटक बीजेपी में मान गए असंतुष्ट, आलाकमान ने आज अपनी रिपोर्ट देंगे अरुण सिंह को। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नया गेम प्लान, नाराज विधायकों के साथ करेंगे काम। सिद्धू को ज्यादा भाव देने से खफा है कांग्रेस का धड़ा, प्रताप बाजवा अब अमरिंदर के साथ। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा।
भोपाल में एक लीटर पेट्रोल का दाम 104.59 रुपए, एक लीटर डीजल का दाम 95.91 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 102.58 रुपए प्रति लीटर, डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल 96.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.28 रुपए तक पहुंचा। लखनऊ में लोगों ने पेट्रोल डीजल के दामों पर लगी आग पर जताई नाराजगी, सरकार के उदासीन रवैये से खफा। देश में पहली बार कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख से नीचे, मौतें भी घटी, एक दिन में 1587 की गई जान। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए मामले, करीब 89,000 लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट में अच्छा रिकॉर्ड, 96% ज्यादा लोग ठीक। लगातार 36वें दिन नए केस से ज्यादा लोग ठीक होने वाले, अब तक कुल रिकवरी 2,85,00,000 से ज्यादा। टीका लगाने के काम में भी आई तेजी, अब तक लगे 26,89,00,000 टीके। समाजवादी पार्टी का मिशन 2022 शुरू, अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। छतरपुर में नशे में बोलेरो के बोनट पर बैठकर फर्राटा भरने वाले 5 लोगों पर केस दर्ज। एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। योगी के समर्थन में आए राजनाथ सिंह, बताया सीएम पद का उम्मीदवार। राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी के काम की तारीफ, कहा उनकी नियत और मेहनत पर सवाल नहीं।